दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्ली जो है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। एक बिल्ली आपके बिस्तर पर आकर के सो गई थी, तो आपने उस बिल्ली को उस बिस्तर से भगाया नहीं, आप खुद। एक बार एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि हज़रत आपको लोग बाकी बिल्ला क्यों बोलते हैं, तो आपने फरमाया कि जिस दिन मेरा विसाल हो जाए और जो शख्स मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ाए उससे तुम पूछ लेना। ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, और जब वो शख्स वहाँ से जाने लगता है, फिर जिस शख्स ने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया था, वो शख्स उस शख्स को फौरन से एकदम बिल्कुल रोक लेता है, बोलता है हज़रत आपसे मेरा एक सवाल है कि मैंने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी से एक सवाल किया था, तो उन्होंने मुझसे फरमाया था कि जो शख्स मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ाए तुम उस शख्स से पूछ लेना, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे देगा। तो फिर आपने अपने चेहरे से नकाब हटाया, नकाब हटाते ही जो भी वहाँ पर लोग थे तमाम लोग हैरान हो गए। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमो चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल आप देखा हज़रुल रहमो चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ज़्यारत करवाने वाला हूँ हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की। आप हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हैं, और हज़रत की बारगाह कहाँ पर है, आप ज़्यारत के लिए किस तरह से आएंगे और हज़रत की क्या करामत है, इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता सदर बाज़ार की तरफ से आ रहा है और इस तरफ है हज़रत की बारगाह। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह इसी तरफ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आप ये मंज़र देख सकते हैं, ये मंज़र सदर बाज़ार के बिल्कुल ही करीब का मंज़र है और ये हज़रत की बारगाह है। इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे इसी दरवाजे से अंदर। सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम अभी आ चुके हैं दरगाह शरीफ के अंदर और आप ये यहाँ का मंज़र देख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप देख सकते हैं ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का मंज़र है, जो हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों इस बारगाह में आने के लिए आपको सबसे पहले जो है आपको सदर बाज़ार आना पड़ेगा और सदर बाज़ार के बिल्कुल ही करीब में है हज़रत की बारगाह। एक बार एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि हज़रत आपको लोग बाकी बिल्ला क्यों बोलते हैं, तो आपने फरमाया कि जिस दिन मेरा विसाल हो जाए और जो शख्स मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ाए उससे तुम पूछ लेना। जब हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, लोगों को पता चला और उस शख्स को भी पता चला, तो वो शख्स दौड़ता हुआ आया। दौड़ता हुआ आने के बाद वो हज़रत के जनाजे के करीब आकर के खड़ा हो गया, और फिर एक शख्स आता है, उस शख्स का चेहरा जो है नकाब से ढका हुआ था, और फिर उस शख्स ने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, और जब वो शख्स वहाँ से जाने लगता है, फिर जिस शख्स ने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया था, वो शख्स उस शख्स को फौरन से एकदम बिल्कुल रोक लेता है, बोलता है हज़रत आपसे मेरा एक सवाल है कि मैंने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी से एक सवाल किया था, तो उन्होंने मुझसे फरमाया था कि जो शख्स मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ाए तुम उस शख्स से पूछ लेना, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे देगा। तो जो शख्स के चेहरे पे नकाब था और जिन्होंने
हज़रत के जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। उस शख्स ने पूछा कि बताओ आपका क्या सवाल है। तो उस शख्स ने फरमाया कि हज़रत मेरा ये सवाल है कि मैंने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकीबिल्ला नक्शबंदी से सवाल किया था कि हज़रत आपको लोग बाकीबिल्ला क्यों बोलते हैं। तो आपने फरमाया कि ठीक है, ये आपका सवाल है। तो उस शख्स ने बोला जी हाँ। तो फिर आपने अपने चेहरे से नकाब हटाया। नकाब हटाते ही जो भी वहाँ पर लोग थे तमाम लोग हैरान हो गए। उस शख्स के चेहरे को देखते ही तमाम लोग हैरान हो गए, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सब के सब हैरान हो गए। और वो शख्स भी हैरान हो गया जिसने ये सवाल किया। वो शख्स देखता है कि वो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकीबिल्ला खुद थे जिन्होंने अपने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, सुभान अल्लाह। और उन्होंने फरमाया, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकीबिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देख ये फना है और ये बाकीबिल्ला है, सुभान अल्लाह। तो आइए अभी हम चलते हैं बारगाह में और हम आपको बारगाह की ज़ियारत कराते हैं। ये हज़रत की बारगाह है, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकीबिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का। और ये मज़ार मुबारक हज़रत के गेट के बिल्कुल ही करीब में है। ये मज़ार मुबारक, ये हज़रत का गेट है और हम इसी गेट से आए हैं, सुभान अल्लाह। चलिए अभी हम इस तरफ भी चलते हैं और इस तरफ का भी मंज़र हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ का मंज़र देख सकते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए इस तरफ भी चलते हैं, ये आप इस तरफ का मंज़र देख सकते हैं। ये जो पूरा मंज़र है ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकीबिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का मंज़र है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बारगाह सदर बाज़ार के बिल्कुल ही करीब में है और ये हज़रत का गेट है। इसी गेट से हम आए हैं, यही गेट है हज़रत की बारगाह का। और वो जो आप देख रहे हैं, वो जो आप देख रहे हैं ये रोड के करीब का गेट है और ये बारगाह के करीब का गेट है। चलिए अभी हम इस तरफ चलते हैं, सुभान अल्लाह। आइए इस तरफ का भी मंज़र आप देख सकते हैं। बाबा वो किन की मज़ार है? वो बड़े लड़के साहबजादीन, उनके बड़े साहबजादे बाकीबिल्ला ख्वाजा साहब के, बाकीबिल्ला साहब के वो साहबजादे साहब है, वो वाली मज़ार, सुभान अल्लाह। दोस्तों आप वो जो मज़ार देख रहे हैं वो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकीबिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे साहब है, सब बड़े साहबजादे साहब, वो बड़े साहबजादे साहब है ना, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आप मज़ार मुबारक देख रहे हैं ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकीबिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे साहब है, सुभान अल्लाह। कोई तो अच्छा, वो जो वहाँ पे वो जो टीन डला हुआ टीन, वो किनकी दरगाह है? किन के खलीफा? अच्छा दोस्तों आप वो जो देख रहे हैं वो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकीबिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है और वो साहबजादे साहब है। तो आइए हम आपको वहाँ की ज़ियारत कराते हैं। जैसे कि हमें चाचा बता रहे हैं, चाचा आप यहीं रहते हैं ना, सुभान अल्लाह, ये चाचा यहीं पर रहते हैं। हमें चाचा ने बताया है कि वो जो बारगाह है वो हज़रत के साहबजादे साहब की बारगाह है और वो जो है वो हज़रत के खलीफा है। चलिए आइए हम आपको मज़ार की ज़ियारत कराते हैं, सुभान अल्लाह। इस तरफ से हम चलेंगे और आप यहाँ का मंज़र देख सकते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए इस तरफ से हम जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्लियाँ जो हैं वो बहुत दिख जाएंगी। एक वक्त में सर्दी बहुत पड़ रही थी, ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, ठंड के कारण एक बिल्ली आपके बिस्तर पर आकर के सो गई थी। तो आपने उस बिल्ली को उस बिस्तर से भगाया नहीं और आप ख़ुद दूसरी जगह सो गए, सुभान अल्लाह।
जैसा कि हमने चाचा से मालूमात करा है, हमें पता चला है ये जो मज़ार मुबारक है ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे साहब का है। तो अभी हम चलेंगे और हम आपको इंशाल्लाह मज़ार मुबारक की ज़्यारत करवाएंगे। सुभान अल्लाह, हमें उस तरफ से चलना पड़ेगा। आइए इस तरफ से हम चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस तरफ से रास्ता है, इस तरफ से हमें चलना पड़ेगा। ये मज़ार मुबारक है और यहाँ पर लोग चिराग जलाते हैं और अगरबत्तियाँ पेश करते हैं और ये हज़रत का मज़ार मुबारक है, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे साहब की मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये मज़ार मुबारक हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आते हुए कि हज़रत के मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में है हज़रत के साहबजादे का मज़ार शरीफ, जो कि ये है। आप ज़्यारत कर सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये यहाँ की छत है और यही गेट है यहाँ का, हम इसी गेट से आए हैं। सुभान अल्लाह, ये हज़रत का मज़ार मुबारक है। सुभान अल्लाह। और लोगों ने हज़रत की बारगाह में अर्ज़िया पेश की है। सुभान अल्लाह। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने मन्नत की चूड़ी वगैरह बांध के रखी है। और ये पेड़ है हज़रत के मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में, ये पेड़ है। और यहाँ पर अगरबत्ती चिराग लोग पेश करते हैं। और आप ये पेड़ देख सकते हैं जो कि काफ़ी पुराना पेड़ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए अब हम इस तरफ चलेंगे, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के जो खलीफ़ा है उनके मज़ार मुबारक की ज़्यारत कराने के लिए। भैया हम इस तरफ से चलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भैया सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। आइए हम इस तरफ से चलेंगे। हज़रत ये खलीफ़ा, ये उनके खलीफ़ा है ना? हाँ सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप ये मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर सकते हैं। ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफ़ा है। और जो मैंने आपको वो मज़ार मुबारक की ज़्यारत कराया है वो आपके साहबजादे साहब हैं। और यहाँ पर भी लोग अगरबत्ती पेश करते हैं, चिराग जलाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये है हज़रत का मज़ार मुबारक, इंशाल्लाह अभी हम आपको ज़्यारत करवाएंगे। और आप यहाँ से मंज़र देख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये पेड़ है जो कि काफ़ी साल पुराना पेड़ है, आप देख ही सकते हैं। और चलिए अभी हम इस तरफ चलेंगे। और ये हज़रत का आस्थान है, मुबारक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हज़रत के आस्थान का गेट है, हज़रत के आस्थान का एक ही गेट है, यही गेट है। सुभान अल्लाह, ये हज़रत का मज़ार मुबारक है। सुभान अल्लाह सुभान। आप हिंदुस्तान में नक्शबंदी ख़ानदान के पीरो मुर्शिद माने जाते हैं। ये हज़रत का मज़ार मुबारक है और ये गेट है, आस्थान शरीफ में आने का एक ही गेट है, यही गेट है। और ये आस्थान शरीफ का मंज़र है। सुभान अल्लाह। चलिए अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको हज़रत के मज़ार मुबारक की ज़्यारत करा दिया है और हज़रत के मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में है हज़रत की वालिदा का मज़ार। जी हज़रत बताइए कौन सा वाला है? ये वाला, ये हज़रत की वालिदा का मज़ार है
ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा हैं, और यहाँ पर हज़रत का मज़ार मुबारक है। और अभी हम इस तरफ चलेंगे। जी बताइए। ये हज़रत के खलीफ़ा है, सुभान अल्लाह, ये हज़रत के खलीफ़ा है। और बड़े शहजादे हैं जी, जैसे कि मैंने आपको ज़्यारत कराया उस मज़ार की, वो मज़ार है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे साहब हैं, और इंशाल्लाह अभी हम आपको छोटे साहबजादे साहब की ज़्यारत करवाएंगे। चले आइए, अभी हम चलते हैं भाई साहब के साथ में। ये भाई साहब यहीं पर ही रहते हैं, यहाँ की खिदमत करते हैं। इस तरह से चलेंगे। ये भी लीजिए, हज़रत का बहुत बड़े सिक्योरिटी थे भाई उस्मान, 50 साल से ये लगभग इनका खिदमत किए हैं, सिक्योरिटी थे यहाँ के। सुभानअल्लाह, आगे जाइए, पूरा नाम ले लीजिए, भाई उस्मान मोहम्मद उस्मान। ये हज़रत के खिदमत गुजार थे, भाई उस्मान, सुभानअल्लाह, ये हज़रत के खिदमत गुजार थे। और इनका जो मज़ार मुबारक है हज़रत के मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में है, सुभान अल्लाह। आइए अभी हम इस तरफ चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे साहबजादे साहब हैं, बड़े साहबजादे साहब की मज़ार शरीफ उस तरफ है, और ये हज़रत का मज़ार मुबारक है, और हज़रत के मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में हज़रत के छोटे साहबजादे साहब हैं, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर लोग अगरबत्ती जलाते हैं और चिराग जलाते हैं। और आइए अभी हम इस तरफ चलते हैं। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट है दरगाह शरीफ में आने का, और ये मस्जिद है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में ये मस्जिद है, और ये गेट है आने का। और यहाँ पर वज़ू खाना है, जो भी ज़ायरीन हज़रत के मज़ार मुबारक की ज़्यारत के लिए आते हैं वो यहाँ पर वज़ू बनाते हैं, और या फिर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं वो यहीं पर वज़ू बनाते हैं। अभी हम इस तरफ जाएंगे, और यहाँ पर भी मज़ार मुबारक है इंशाल्लाह, यहाँ की भी हम आपको ज़्यारत करवाएंगे। हमारे हजरत बाड़े इंद्राव नन्ने साहब इनकी मज़ार है, इनकी और भी लेडीज लोग जो है जी अल्लाह वाले हैं, सुभान अल्लाह, लेडीज को निकल देखिए नाम पता पूरा एड्रेस सन तारीख सब निकल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये हज़रत का मज़ार मुबारक है, और हज़रत के मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में यहाँ पर भी एक मज़ार है, और यहाँ पर एक मज़ार है, यहाँ पर भी मज़ार है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, इन तमाम मज़ार मुबारक की आप ज़्यारत कर सकते हैं। और यहाँ पर लोग चिराग जलाते हैं, यहाँ पर अगरबत्ती, और ये हज़रत का मज़ार मुबारक है, हज़रत के मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में यहाँ पर ये पेड़ है, सुभान अल्लाह। दोस्तों मैंने आपको ज़्यारत करा दिया है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की, मैंने आपको ज़्यारत करा दिया है। ये दरगाह शरीफ दिल्ली सदर बाज़ार के बिल्कुल ही करीब में है, और ये जो आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे साहब हैं, और आपके जो छोटे साहबजादे साहब की मज़ार शरीफ है वो आपके मज़ार शरीफ के बिल्कुल ही करीब में है, और आपकी वालिदा की मज़ार शरीफ भी आपके मज़ार शरीफ के बिल्कुल ही करीब में है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन की दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलता है दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।